दोस्तों मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिख रहा है कि कुछ भाई आपको अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे कि यहाँ पे मेरी शादी हो गई है। यस, तो मेरा शादी हो गया है, मतलब ये जो लोन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये मेरी खुद के डॉक्यूमेंट पे नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के डॉक्यूमेंट्स पे कर रहा हूँ। यहाँ पे एजुकेशन में मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया है डिप्लोमा कोर्स, जबकि यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है फादर का नाम आप देख पा रहे हो कि मैंने सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पे माँ का नाम जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑन हाउस, ओके, मतलब हमारा है, रेंटल नहीं है, वो मैंने यहाँ पे ऐसे ही टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है करेंट जो भी एड्रेस है वो मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ पे जो है किसके लिए लोन ले रहे भाई वो यहाँ पे डाला है। हम कौन से लैंग्वेज को समझ सकते हैं वो डाल करके हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप देखिए बिल्कुल आप लाइव स्क्रीन मोबाइल पे देख रहे हो। फिर बाद में ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है भाई कि इसमें क्या भरेंगे उसमें क्या भरेंगे। एक मैं आपको हिंट देता हूँ, और एक बात और भी बोलना चाहूंगा, यहाँ पे लो सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट है, अप टू 5 लाख रुपीज तक अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। मैं यहाँ पे लोन तो अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कंप्लीट जो लास्ट स्टेप है वहां तक मैं दिखाऊंगा। मैं एक स्टेप बैक करता हूँ क्योंकि ये लास्ट के स्टेप में चला गया है। तो यहाँ पे जो स्टेप आप देख पा रहे हो ये अबाउट योर कंपनीज, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपोलो टायर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टाइप कौन सा है वो मैंने डाल दिया है। कंपनी के जो एड्रेस है वो वडोदरा लिमरा विलेज मैंने डाल के एरिया का पिन कोड मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप्स से आपको KYC कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। और अभी आप बिल्कुल यहाँ पे रिलैक्स होकर देख लीजिए, एज जो है वो 21 ईयर्स प्लस होना चाहिए। पैन कार्ड में आधार कार्ड में नाम स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक जैसे ही होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 टाइप से आपको KYC वेरिफिकेशन कह रहा है भाई, कौन सा मोड आप सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से, मतलब डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो अपनी KYC जो भाई आधार कार्ड के जो ऑफिशियल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 21 ईयर्स एज, आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम स्पेलिंग सेम होना चाहिए। एक आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी का नहीं, यहाँ तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप कोई भी तरह के बिजनेस करते हो तो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, पूरा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ से फोन पे इंस्टॉल करना है, देन आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले मस्ट होना चाहिए, 600 सिविल स्कोर होना चाहिए, राइट ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल उसको प्रेस करें ताकि इस चैनल की आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाए और आप जो है अपनी मर्जी के हिसाब से अपने नीड के हिसाब से वीडियो को देख सके। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं अभी KYC नहीं करूँगा क्योंकि मेरा खुद के लिए मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा था, मैं घर में किसी और के डॉक्यूमेंट्स में मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ तक आपके करने के बाद में ये KYC वेरिफिकेशन करने के बाद में लास्ट 3 मंथ के एक बैंक के स्टेटमेंट जो है वो आपको देना होगा, राइट। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बैक हो जाता हूँ। फाइनली मैं अभी प्ले स्टोर के अबाउट सेक्शन पे आ गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4.7 की रेटिंग है, बहुत अच्छा रेटिंग है, मतलब 4.7 बहुत अच्छा रेटिंग हम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग की बात करें तो 1 करोड़ प्लस डाउनलोडिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑल इंडिया में 8 लैंग्वेज के ऊपर में ये जो है अप्रूवल मिल रहा है, मतलब कि ओवरऑल इंडिया में यहाँ पे ये लोन जो है लोगों को दे रहे हैं, राइट ना। यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट करते हैं तो इंस्टेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, जहाँ पे ऐसे में लोन पार्टनर है, क्लिक करके रीडायरेक्ट प्ले स्टोर पे हो सकते हैं। ओके, फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको मैक्सिमम जो है वो 60 महीने तक को, मतलब कि 5 साल के लिए यहाँ पे जो है आपको टाइमिंग जो है आपको मिल रहा है, तो बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे अप टू 5 लाख रुपीज है, यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिल सकता है। 2 मिनट में जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, तो 2 मिनट ही लगेंगे कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं जो आप देख पा रहे यहाँ पे बता रहा है कि भाई हम जो है 5 लाख रुपए तक जो मैक्सिमम जो ये है लोन प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन के मैं अबाउट में हूँ, जहाँ पे यहाँ पे बता रहा है, आप देख पा रहे हो कि 10,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक यहाँ पे अमाउंट देता है। 16% से लेकर के 39% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ये कितने में एक्सप्लेन कर रहा है वो यहाँ पे देख लीजिए,
24% में यहाँ पे जो है वो आपको जो एग्जांपल करके बताया, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ज्यादा है। मंथली में अगर 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मंथली में ही आपका प्रॉब्लम, मतलब आप इसको रीपेमेंट करते हैं उसके हिसाब से मंथली में सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कीजिएगा, कुछ स्पेशल फेवरेट इंडिया का बेस्ट एप्लीकेशन का मैंने लिंक दिया है। कमेंट सेक्शन में पिन क्या है जहां पे 1.5 लाख रुपए तक अमाउंट मिलेगा भाई इंस्टेंट, ओनली केवाईसी के बेस पे, कोई डॉक्यूमेंट जो है वहां पे अपलोड नहीं करना है। यहां पे 3 मंथ की बैंक के सेट में लगेगा लेकिन वहां पे वो भी नहीं लग रहा है। तो यहां पे 50,000 रुपए लोन अप्लाई करोगे, 56,700 आपको देने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट में 47,900 आएगा, मतलब 48,000 आपको आ रहा है और यहां पे 57K जो है आपको रिटर्न देना पड़ रहा है 50,000 रुपए लोन अगर अप्लाई करते हैं तो। स्क्रीन ऊपर लेते हैं, यहां पे बताया किस तरह से करना है। 5000 लोकेशन में ये जो है अवेलेबल है, 600 यहां पे सिविल स्कोर और 650 जो है आपको एक्सपीरियंस स्कोर चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे दोस्तों मैं आपको मार्क करके बताऊं, यहां पे एग्जाम्पल कर दिया हुआ है और किस तरह से आपको लोन मिलेगा, क्या क्या करना है। 5000 लोकेशन पे ये अवेलेबल है, 600 सिबिल स्कोर और 650 एक्सपीरियंस स्कोर चाहिए होगा। यहाँ पे इतने सारे इनके लेंडिंग पार्टनर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन के नाम की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। काफी लोगों को कमेंट है कि मैं भाई लो सिबिल स्कोर पे एक इनकम के प्रूफ दिखाएंगे तो भी चलेगा, एक बड़ा बजट का लोन एक ही बार में, बड़ा बजट का लोन यहीं से मिल सकता है। दूसरा और एप्लीकेशन अगर इसके अगेंस्ट में बात करें तो वो नहीं है, इतना बड़ा बजट के लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम लोगों की फीडबैक रिव्यू, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये 4.7 है, टॉप रैंकिंग में इंडिया के, मतलब यहाँ पे टॉप रैंकिंग जो बता रहा है वो यहाँ पे H10 लिखा हुआ है, लेकिन आई डोंट नो ये किस तरह से है। लेकिन हम लोगों की यहाँ पे रिव्यू और फीडबैक की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार सिंगल स्टार हर तरह के रेटिंग मिलेगा। अगर आप Amazon Flipkart के देखोगे तो यहाँ भी भाई हर तरह के रेटिंग मिलेगा, उसी तरह से यहाँ भी आपको सिंगल स्टार 4 स्टार 5 स्टार सभी तरह का रेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप गाइज कि जो भी कुछ मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कर लें और भी सारे लिंक्स वहाँ पे मैंने दिया हुआ है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।